जो कि सिग्मा बॉन्ड है और एक इसके अंदर सी सी पाई बॉन्ड है सो ए ऑन ओजोनोलाइसिस जब हम इसका करते हैं हैं तो हमें मोल्स मिलते हैं किसी एक एल्डिहाइड के यानी कि यहाँ पे जो दोनों ही प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एल्डिहाइड हैं और एक ही जैसे एल्डिहाइड हैं तभी तो उसके दो मोल्स मिल रहे हैं आपको और उनका मोलर मास भी आपको गिवन है फोर्टी फोर ए एम यू या फिर यूनिफाइड मासको तो इस ए कंपाउंड का आई यू पी एस सी नॉम्लेचर करना ठीक है चलो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे तो ये है आपका एल्किन ए जिसके अंदर तीन कार्बन सी सी सिंगल बॉन्ड है तो तीन सी सीसी सिंगल बॉन्ड का मतलब समझो सबसे पहले तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ तीन ये सोचो कि तीन सी सी सिंगल बॉन्ड मतलब तीन कार्बन हुआ तो यार यहाँ पे इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो गया इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो गया बट ये तो दो सी से सिंगल बॉन्ड हुए तो इसका मतलब ये चार कार्बन की चेन होगी तब जाके तीन सी सी सिंगल बॉन्ड ठीक है इसका मतलब ये कोई चार कार्बन की चेन है जिसके अंदर आठ सी एच सिगमा बॉन्ड है और वन पाई बॉन्ड है तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई पाई बॉन्ड आपका इधर प्रेजेंट हो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि पाई बॉन्ड आपका इधर प्रेजेंट हो दो ये पॉसिबिलिटी बनती है तो हमें पता है कि ये दोनों ही आइसोमर्स है और दोनों आइसोमर्स है इसका मतलब की आ, कार्बन हाइड्रोजन का नंबर इनके अंदर सेम ही रहेगा अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हो तो देखो इस तरह से कर सकते हो मैं क्या करती हूँ एक्चुअली इस तरह से लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा हम एक दूसरा

जब दोनों का ओजोनालिस करेंगे तो दोनों से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे ठीक है ये मैंने ओथ्री लिया और यहाँ पे भी ओजोन लिया और बाद में इनका हाइड्रोलिसिस भी करवा दिया जिंक के प्रेजेंस में ठीक है यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ इनका हाइड्रोलिसिस मैंने जिंक के प्रेजेंस में करा लिया तो यहाँ जो मुझे कंपाउंड मिलेगा वो कौन सा होगा एक तो ये कीटोन मिल गया और एक मुझे मिल गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन जबकि अगर मैं सेकंड वाले केस में अगर करती हूँ ओजोनोलाइसिस तो मेरे को देखो प्रोडक्ट जो मिलता है ना वो मिलता है ये जहाँ पे इस तरफ हाइड्रोजन है एसिटेल हो गया और दूसरी तरफ भी जो मुझे कंपाउंड मिल रहा है वो क्या है एच और ये सीएसटी अब देखो अगर आपको ये लग रहा है आपने पहली बार इस क्वेश्चन में मेरे को विजिट किया तो आपको लग रहा होगा कि मैं डायरेक्टली आंसर्स लिख रही हूँ बट uh, ये मान के चलो क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर फोर में बहुत डिटेल में उस कर चुके हैं फिफ्थ में भी हमने बहुत डिटेल में देखा तो इस वजह से अब आपको ट्रिक पता चल गई है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाया मैंने ऑक्सीजन इधर लगाया ऑक्सीजन इधर लगाया इधर लगाया ठीक है इसलिए मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ ये मान के चल रही हूँ कि आप पहले के क्वेश्चन तो में अब हमें ये पहचानना है कि हमारा जो केस है मतलब ए जो है वो फर्स्ट वाला कंपाउंड है कि सेकेंड वाला है तो देखो यार डेफिनेट है मैंने आपको अभी बताया कि इसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि दो मोल्स मिल रहे हैं हमें एक ही अल्डीहाइड के तो ये तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए इसमें से एक तो प्रोपेनल है और एक ये क्या है मीथेनल है तो ये तो गलत हो गया जब कंपाउंड ही डिफरेंट हैं तो उनका तो मास भी डिफरेंट होंगे जबकि अगर आप दूसरे वाले केस में बात करो तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही सेम कंपाउंड है मतलब कि एक ही कंपाउंड के दो मोल्स मिलते हैं अब हम देख लेते हैं कि क्या इसका मोलिकुलर मास रीचेक करने के हिसाब से कि क्या वाकई जो मोलर मास है वो फोर्टी फोर एटॉमिक मास यूनिट है क्या तो देखो इसके अंदर दो कार्बन है दो कार्बन एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन काउंट करो जरा तो वन टू थ्री तीन हाइड्रोजन ये चार हाइड्रोजन तो चार इसके अंदर हाइड्रोजन है ठीक है आई होप मैंने कोई गलती नहीं की है सो so, कार्बन का और हाइड्रोजन कितने हैं चार तो सिक्सटीन प्लस फोर तो कितना हो गया आपका ट्वेंटी और ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर आपका कितना हो गया फोर्टी ठीक है तो मेरा जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना निकल के आ गया सॉरी मोलिकुलर मास यूनिट जो है वो कितना निकल के आ गया फोर्टी फोर क्लियर है ये सो ये इसका मोलर मास हो गया एंड परफेक्टली हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मेरा सेकेंड वाला रिएक्शन है परफेक्टली दैट रिएक्शन जिसको कि हम बेसिकली खोज रहे थे एंड तो एक कंपाउंड मेरा क्या हो गया ये वाला जो सेकेंड वाला है ना यही मेरा एक कंपाउंड है अब इसका ना आई यूपीएससी नेम कर सकते हो ना अब तो यार देखो प्रो हो गए हो वन टू थ्री फोर अब इसका आयूपीएससी नेम कैसे करोगे सो दिस इज ब्यूट टू इन ठीक है बस ये हो गया मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं था थोड़ा सा पैटर्न अलग था लेकिन आपको सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना था जो आई एम श्योर की आप लोगों ने मेरे साथ बैठने के अलावा यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाया होगा और मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा एंड अगर आपने सचमुच ऐसा किया है कि इस क्वेश्चन को मुझसे पहले सॉल्व कर लिया है सो आई रियली रियली अप्रिशिएट यू क्योंकि ये क्वेश्चन या ये कह दो कहते सचमुच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है और बहुत सारे अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहे हो या फिर आप सिंपली अगर इलेवेंथ क्लास में ही हो या कुछ भी आप नीट या जी किसी की तैयारी कर रहे हो या किसी टीचिंग एग्जाम की या किसी भी एक्स वाई जेड अगर आप केमिस्ट्री के एग्जाम की, की तैयारी कर रहे हो सो ओजोनोलाइसिस मान के चलो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है ठीक है अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो टेक्स्ट पार्ट है यहाँ से भी आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो तो यही तो हमने निकाला ब्यूट टू इन यही तो हमारा कंपाउंड आया ठीक है अब आप चाहे तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड सब काउंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो बट मैंने आप लोगों के साथ ही इनिशियली कर लिया था ठीक है so, सो यहाँ पे आपको इलेवन तो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं और आठ यहाँ पे आपको आ, आ, मतलब हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं तीन यहाँ पे सी सी बॉन्ड्स हैं और वन यहाँ पे फाइप ठीक है तो ये इस पूरे की एक डिटेल हो गई क्लियर चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम क्वेश्चन नंबर सेवन को डिस्कस करेंगे वो वाला क्वेश्चन भी अगेन ओजोनोलाइसिस से ही रिलेटेड होगा सो so, बस मजे करते जाओ ओजोनोलाइसिस में तो आप लोग रिसर्च ही कर लोगे अगर इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे तो ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेक केयर गुड बाय और बस चलो करते हैं एंड सेशन